नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम। अवरोध के बीच लोकसभा से निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक को मंजूरी। वित्त मंत्री के जवाब के बाद 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी। राज्यसभा से नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ संशोधन बिल पारित। स्थायी समिति को भेजा गया मध्यस्थता को बढ़ावा देने से संबंधित। द मेडिएशन बिल गतिरोध की भेंट चढ़ा, शून्यकाल और प्रश्नकाल। देश में 160 से अधिक ओमिक्रॉन के मामले। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी और सतर्कता। ओमिक्रॉन से सहमा शेयर बाजार, सेंसेक्स में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट का होगा इजाफा। कुल सीटों में से 9 सीटें एसटी और 7 सीटें एससी के लिए रिजर्व करने की सिफारिश। और पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। दिल्ली, राजस्थान समेत पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में। आईएमडी का अलर्ट जारी, अगले 3 दिन तक जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 16वां कार्य दिवस था। विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच लोकसभा ने आज निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। इसमें मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का प्रस्ताव इसलिए किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण ना करा सके और फर्जी तरीके से मतदान को रोका जा सके। हम ये आज ये लॉ लेके आ रहे हैं तो जस्टिफाई दी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। लेजिटिमेट इंटरेस्ट इसलिए है कि सेक्शन 17 ऑफ द आरपीए एक्ट में ये कहा है, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सर ये मल्टीपल नाम को हटाने के लिए ये लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूँ कि हम लोग जो प्रावधान ला रहा है ये जनता का इंटरेस्ट में है, वोटर का इंटरेस्ट में है और इस देश में साफ सुथरा चुनाव का दृष्टि में आगे बढ़ रहे। और इससे पहले विभिन्न दलों ने अपनी अपनी बात इस विधेयक पर रखी। We are demanding that this bill should be referred to the standing committee. I would like to refer the verdict of Puttusami and Union of India, which limited the use of Aadhaar authentication solely to welfare program and to link with PAN numbers of the purposes of income tax. Supreme Court judgment in the Puttusami case, where it is mentioned that Aadhaar is given to all citizens, all residents, whereas EPIC is given to all citizens. And besides, the central government is interfering with the election commission. There will be 4 phases, 4 chances for qualification, and sir, it will be gender neutral. But at the same time, sir, this is not the proper decorum, this is not the proper way to pass any bill. It was supposed to be introduced today, and the way the house is running, it is in a very disturbed way. This is not the proper time. It should be debated, it should be discussed by all the parties. Lok Sabha mein aaj Vitt Mantri Nirmala Sitharaman ne anudan mangon ke dusre batch par hui charcha ka jawab diya aur use parit karaya gaya.
वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े विषयों पर ध्यान दे रही है। वित्त मंत्री सरकार किसानों के विषयों को गंभीरता से देखती है। आज उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत काफी अधिक है और सरकार नहीं चाहती किसानों को परेशानी हो। ऐसे में पूरक मांग का बड़ा हिस्सा उर्वरक सब्सिडी और एयर इंडिया से संबंधित मद में जा रहा है। एट अ टाइम व्हेन वी आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू द फार्मर्स एंड देयर रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट बिकॉज द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव गॉन अप वी हैड टू एंश्योर दैट द फार्मर्स डोंट सफर बिकॉज ऑफ इट एंड देयरफॉर अ इंक्रीज इन द सब्सिडी फॉर फर्टिलाइजर हैज बीन प्रोवाइडेड विच इटसेल्फ इज अकाउंटिंग फॉर 58,430 crores. They seem to be talking about price rise. Yes, we will know that for edible oil and things like that, we are taking measures through the EGOM, which is empowered GOM for taking care of essential goods. We will attend to the problem of oil price, edible oil price, and also some of the essential edible items. But sir, because the debate went beyond what was necessary in terms of the supplementary demands for grant, members have every right to raise issues, no doubt. But I wanted to put them on the record, my response. संसद ने NDPS संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक कानून के कुछ खामियों को दूर करने के लिए लाया गया है। कानून बनने के बाद ये विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अध्यादेश इसलिए जरूरी था क्योंकि उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था। विपक्षी सदस्यों ने त्रुटियों को दूर करने में लंबा समय लगाने की आलोचना की। कुछ सदस्यों ने नशीले पदार्थ की तस्करी और कई युवाओं में इसकी लत को लेकर चिंता जताई। चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। The consequential amendments which hadn't taken place were the festering problem and therefore that is getting amended. This is limited. This is exactly to the extent of what this bill comes in with. There is no other thing in this for us to discuss. 2014 से लेकर एक अमेंडमेंट जिसमें कि क्लेरिकल मिस्टेक बताई जा रही है, 6 साल लगे आपके नार्कोटिक्स ब्यूरो को पता लगाने के लिए। सर, इट इज द राइट टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट द यूथ कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज इन द कंट्री पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। Government should also take initiative for providing requirement treatment and therapy for rehabilitations and the centers should be there. Rajya Sabha में अवरोध के बीच मध्यस्थता को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने से संबंधित विधेयक यानी द मेडिएशन बिल पेश किया गया। केंद्रीय विधि राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने इसे पेश किया। विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। विधेयक में वाणिज्यिक या उससे भिन्न विवादों के समाधान, मध्यस्थ निपटान समझौता करारों को लागू करने और मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए एक निकाय बनाने से संबंधित प्रावधान शामिल है। विधेयक का उद्देश्य सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना है और ऑनलाइन मध्यस्थता को एक स्वीकार्य और लागत प्रभावी प्रक्रिया बनाना है। इससे पहले विपक्षी सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर आज भी राज्यसभा में गतिरोध नहीं थमा। अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत उन्हें कुल 5 नोटिस मिले हैं लेकिन उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। ओमिक्रॉन की वजह से उत्पन्न हालात पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के खिलाफ लड़ाई को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अभी तक भारत में 160 से अधिक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले आए हैं। सरकार विशेषज्ञों के साथ स्थिति की निगरानी कर रही है और जरूरी एहतियात और प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड की पहली और दूसरी लहरों के अनुभव से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं
कि संक्रमण फैलने पर हमें समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए जरूरी दवाओं के बफर स्टॉक की व्यवस्था की गई है। 161 केस पाया गया है और जैसा केस दुनिया में दिखने लगा तो तुरंत ही देश में वेरिएंट स्प्रेड ना हो उसकी सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार की ओर से सतर्कता रखी गई। जिस कंट्री में वेरिएंट है उसको अलग कंट्री आइडेंटिफाई किया। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को ये बताया है कि भारत में आज अधिकांश वयस्क आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है। 88% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक और 58% लोगों को दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में कोविड वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 17 करोड़ खुराकें उपलब्ध हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। देश की ज्यादातर पॉपुलेशन आज वैक्सीनेटेड है और ये वैक्सीनेशन अभियान के माध्यम से हमारे देश के नागरिकों को कोविड के सामने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा हासिल हुई है और आज देश में हर राज्य के पास वैक्सीन का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध स्टॉक है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक 161 मामले सामने आ चुके हैं और ये 12 राज्यों में फैल चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54 संक्रमित मिले हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 4 और नए संक्रमितों के मिलने से मरीजों की जो कुल संख्या है वो 26 हो गई। तेलंगाना में 20 केस आए हैं। गुजरात सरकार ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के खतरे को देखते हुए 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। ये नाइट कर्फ्यू रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और इसी बीच भारत बायोटेक ने अपने इंट्रानेसल कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए DCGI को Phase 3 क्लिनिकल ट्रायल आवेदन किया है, जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाकरण वाले लोगों को दिया जा सकता है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 138 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन का जो काम है वो तेजी से जारी है। यहाँ डीलिमिटेशन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। राज्य में परिसीमन आयोग की तमाम प्रक्रियाओं के बाद अब जो अंतिम प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें जम्मू डिवीजन में 6 सीटों को बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा आयोग ने कश्मीर में भी 1 सीट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव है। दिल्ली में हुई परिसीमन आयोग की बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम लोग शामिल हैं। संबंधित सदस्यों से 31 दिसंबर तक अपने सुझाव सौंपने को कहा गया है। There are parameters laid down which have to be followed by the delimitation commission and I appreciate that they are following it. So it can't be that I need a constituency, I'll get it or you need a constituency. So they'll follow and I'm glad that they are following an objective criteria which has been appreciated by all the associate members including the national conference members. और आगामी बजट सत्र को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उद्योग जगत के लोगों से मुलाकात कर उनके विचार और सुझाव जानने की कोशिशों में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्योग जगत के प्रमुख CEO से मुलाकात की। इसमें बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियों के प्रमुख CEO मौजूद थे। इसके अलावा रीन्यूएबल, हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनियों के CEO के साथ भी प्रधानमंत्री ने बात की। बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। विदेश मंत्रियों ने अपने अपने देश के राष्ट्रपति की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिवादन पेश किया, साथ ही भारत के साथ उनके संबंधों को और मजबूत करने का उत्साह जताया। कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात में भारत मध्य एशिया संवाद में हुए विचार विमर्श के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई, जिसमें अफगानिस्तान की स्थिति समेत व्यापार और कनेक्टिविटी, विकास, साझेदारी
और क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मध्य एशियाई देशों के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों को बहुत महत्व देता है और इन देशों को अपने विस्तारित पड़ोस का हिस्सा मानता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है। रूसी राष्ट्रपति ने 6 दिसंबर को दिल्ली की उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान रूसी प्रतिनिधिमंडल के भव्य स्वागत के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। बातचीत में हाल में हुई वार्ता में हुए समझौतों को लागू करने के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान रूस और भारत के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के संबंधों के बहुआयामी विकास के लिए आपसी प्रतिबद्धता जताई गई। उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान जारी रखने की बात की। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संपर्कों को तेज करने पर सहमति बनी। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। चीरा के चटक लटक नव कुंडल के तो भाव के मटक मोहे आखन दिखाऊं रे एहो बनवारे बलिहारे जाऊं तेरे आज मेरी गली आए नेक मीठी तान गाऊं रे। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा शर्मा कथक नृत्यांगना और पद्म भूषण से सुसज्जित। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा, सर्वदलीय बैठक के अंदर भी, लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 10 बजे संसद टीवी पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 1123 करोड़ रुपए के 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही जौनपुर में 3037 करोड़ रुपए के 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। आज अलीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के नेतृत्व में जन विश्वास यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस सहित अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बंगलुरु में शिवाजी महाराज की प्रतिमा तोड़े जाने का मामला आज कर्नाटक विधानसभा में उठा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने कहा कि सरकार इस तरह मामलों में ठोस कदम उठाएगी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकार ने बताया कि बावल पटौदी विधानसभा क्षेत्र में 4 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिससे जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा पंचगांव में फ्लाईओवर बनाने के लिए एनएचएआई को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी नाहरलागुन विस्टाडोम टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से असम और अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याओं को सुना। जनता दरबार में सरकारी कर्मचारियों द्वारा घूस मांगे जाने के मामले को लेकर काफी शिकायतें दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पार्क स्ट्रीट के एलेन पार्क में कोलकाता के क्रिसमस कार्निवाल का उद्घाटन किया। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सतर्क रहने का आह्वान किया और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को हुए कोलकाता नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर चुनाव में धांधली, बूथ कैप्चरिंग और हिंसा का आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र की अध्यक्षता में 3 दिवसीय गोवा दौरे पर है। टीम गोवा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। गोवा में फरवरी 2022 में चुनाव होना है। पनामा पेपर लीक मामले में आज ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की। उन्हें ईडी की ओर से समन मिला था, जिसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंची थी। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने संयुक्त अभियान में पाकिस्तानी नाव अल हुसैनी को पकड़ा है। बोट पर सवार 6 लोगों के पास से 77 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई, जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होते ही शर्तों के साथ कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक को हटा दिया गया है। कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से 14 दिशा निर्देशों को भी जारी किया गया है, जिनका पालन करना होगा। जम्मू कश्मीर में निजीकरण और दूसरी मांगों को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे रविवार को कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद बिजली सप्लाई के लिए पावर स्टेशनों पर सेना के जवानों को तैनात किया गया है। तापमान में गिरावट की वजह से हरियाणा सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कक्षाएं होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सरकार लोगों के हित और नागरिक पहले की सोच के साथ सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज से शुरू होने वाले सुशासन सप्ताह के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि कुशल प्रक्रिया और सुगम प्रशासन के बल पर सरकार पारदर्शी व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है, ताकि विकास को सर्वांगीण और सर्वसमावेशी बनाया जा सके। सुशासन सप्ताह कार्यक्रम की थीम प्रशासन गांव की ओर है। इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों में नागरिकों की शिकायतें निपटाने का अभियान चलाया जाएगा और सेवाओं में सुधार किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक शिकायतें और पेंशन, विदेश मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, कार्मिक और पेंशनर कल्याण विभाग के साथ साथ पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर आज से 25 दिसंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सुशासन सप्ताह मनाएंगे। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। देश के उत्तर पश्चिम और पश्चिम के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान शीतलहर जारी रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों में कल तक लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे शीतलहर का प्रतिकूल प्रभाव बढ़ सकता है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर और तेज हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अगले दो दिनों के दौरान और पंजाब तथा हरियाणा में 23 और 24 दिसंबर को घना कोहरा छाया रह सकता है। राजस्थान का चुरू सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पे न्यूनतम तापमान 0 से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जो सामान्य से 8.4 डिग्री सेल्सियस कम है। उत्तर भारत के लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 14 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान भी 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। श्रीनगर में पारा -6 से 9 डिग्री बीच चल रहा है। फिलीपींस साल के सबसे भयंकर तूफान से जूझ रहा है। भीषण तूफान में मरने वालों की तादाद बढ़कर 200 से ज्यादा हो गई है। अब भी कई लोग लापता हैं। बोहोल द्वीपीय प्रांत में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका थी, क्योंकि कई कस्बे और गांव में संचार ठप होने, बिजली की कटौती और बंद सड़कों के कारण संपर्क टूट गया था। हालांकि बेहतर मौसम के साथ बड़े पैमाने पर सफाई और मरम्मत के प्रयास चल रहे हैं। और इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तमिलनाडु के परई समुदाय के नृत्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।